बहुत तो स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। मेरा नाम है शुभेंदु पांडे। भारत वर्ल्ड कप के भारत मेजबान कर रहा है इस बार और 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले आईसीसी ने वर्ल्ड कप में कुछ बड़े बदलाव कर दिए हैं और ये बदलाव कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए मुसीबत लेकर आने वाले हैं। क्या कुछ वो बदलाव है आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कहीं ऐसा तो नहीं इस बदलाव से भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और साथ ही पाकिस्तान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फिर इन तमाम टीमों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। इवन न्यूजीलैंड के लिहाज से भी अगर आप देखें, बताएंगे आपको पूरी खबर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने हमारे बाकी के जो सोशल मीडिया अकाउंट है अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए। अब आते हैं दरअसल इस पूरी खबर पर। 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। भारत के अलग अलग शहरों में वर्ल्ड कप खेला जाएगा, लेकिन ये वो समय होगा जब तकरीबन अगर आप देखें अक्टूबर और नवंबर का ये महीना, यानी कि भारत के अलग अलग शहरों में ड्यू का ज्यादा फर्क पड़ेगा। यानी कि जो टीम टॉस जीतेगी वो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए पहले कोशिश करेगी कि बल्लेबाजी ही करे, क्योंकि अगर आप देखें, माफ कीजिएगा, पहले ओवर चेज के लिए जाएगी, क्योंकि ऐसे में अगर आप देखें बाद में डिफेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आईसीसी ने क्या किया है कि इसको लेकर ही प्लान बना लिया है कि ताकि ये जो सारी समस्याएं हैं कि टॉस जीतो पहले फील्डिंग करो, सामने वाले रन बनाएगा, बाकी बाद में आप जो चेस कर लेते हैं उससे निजात पाने के लिए क्या किया गया, एक प्लान बना दिया है। आईसीसी ने तमाम जो क्यूरेटर हैं हर शहरों के सबके लिए एक आदेश जारी किया है कि देखिए आपको करना क्या है। आपको नंबर वन, आपको पिच पर जो है घास ज्यादा से ज्यादा रखनी है। नंबर दो की अगर बात कर ली जाए तो जो बाउंड्री है उसको आपको थोड़ी बड़ी कर देनी, यानी कि अक्सर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा होगा जो बाउंड्री होती है 65 से या फिर 85 मीटर के आसपास होती है, लेकिन यहाँ पर करना क्या है कि आपको 70 मीटर की बाउंड्री रखनी है। यानी कि नंबर वन घास बड़ी कर देना, नंबर दो आपको थोड़ी सी बाउंड्री बड़ी कर देना ताकि मुकाबलों में वो रोमांच दिखे, ये आदेश आईसीसी ने दिया। और ऐसे में अगर आप देखें जब पिच पर घास रहेगी यानी कि पेसर्स को पूरे मुकाबले में मदद मिलेगा। लिहाजा जो हम एक मान के चल रहे थे कि भारत में वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है तो ऐसे में स्पिनर ज़्यादा हावी रहेंगे, अब जब पिच पर घास रहेगी तो फिर हम देखेंगे कि हर टीम के लाइनअप में आपको पेसर्स भी बराबर ही दिखेंगे। ऐसे में इंग्लैंड की टीम हो गई या फिर पाकिस्तान की टीम हो गई या फिर चाहे बात करी जाए अफ्रीका, जिनके पास पेस फैक्ट्री अच्छी है उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आईसीसी चाह रहा है कि देखिए मुकाबला जो है वो बैलेंस हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ जिनके पास क्वालिटी और ज्यादा स्पिनर है वही यहाँ पर प्रभावी रहे, लिहाजा एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। तो ये तमाम चीजें हैं। बाकी अब आप बताइए कि इस बदलाव से किस टीम को ज्यादा फायदा होगा और किस टीम के लिए ज्यादा नुकसान होने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको लगता है कि बल्लेबाजों के लिए बेहतर होगा या फिर आपको लगता है गेंदबाजों के लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल आप लोगों ने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।